बड़े किसान है, दुनिया में नाम कमारे मारे पहलवान है, सेना में दुश्मन से निकमारा जवान है, आधुनिकता में भी जू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे के हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपको हरियाणा दिवस की सभी हरियाणा वासियों को, सभी देशवासियों को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था और उस दिन से ये पंजाब स्टेट से अलग होके अपना ये हरियाणा प्रांत बना था। और हरियाणा प्रांत के विषय में बातें ऐसी हैं कि यहाँ पे दूध दही का खाना रहता है और यहाँ पे जो है कि हमारे जो खिलाड़ी भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, खेलों के अंदर हरियाणा काफ़ी आगे निकल चुका है, बाकी पूरे स्टेट्स हैं जो इंडिया के अंदर, उन सभी में सबसे आगे क्या है, हरियाणा है। और जैसे सैनिक वगैरह जो भी हैं, जैसे युद्ध में होते हैं, तो बॉर्डर के ऊपर भी हरियाणा की फोर्स सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको सॉन्ग सुनाया कि सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, ठीक है, तो सबसे आगे हरियाणा चल रहा है। और यदि आप हरियाणावासी हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और वैसे पूरे देशवासियों को हरियाणा दिवस की लख लख बधाई है। हरियाणा दिवस पे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँ कि आप हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा की जैसे जो इमेज है वो है आपसी भाईचारे की और मतलब सभी के साथ प्यार प्रेम से बोलने की। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ दंगे फसाद हुए हैं, कुछ भी प्रकरण हुआ जैसे, ठीक है, जैसे जाट आरक्षण हुआ था पीछे, तो जाति पाति का ऐसा कुछ है नहीं हरियाणा में, लेकिन फिर भी मतलब किसी डिस्प्यूट की वजह से, कोई रीजन की वजह से, कोई राजनीतिक पार्टियों की वजह से ऐसा कुछ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा बिल्कुल मिलजुल कर चलने की ओर अग्रसर है और हरियाणा में शांति उसके बाद बरकरार है। उसके बाद डेरा प्रमुख का प्रकरण हुआ राम रहीम का, तो उसमें भी कुछ हिंसाएं हुई, लेकिन वो भी छिटपुट हिंसाएं थी और ये हरियाणा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हर जगह होते हैं कि थोड़ा बहुत जो आपको कमी बेसी मिल जाती है। लेकिन फिर भी अब हमारे हरियाणा के अंदर क्या है कि सब कुछ, सब लोग भाईचारे में रहते हैं, कोई जाति पाति का कुछ नहीं रखते और सभी मिलजुल कर चलते हैं। आप किसी की बुराइयां देख सकते हैं, बुराइयां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन किसी की अच्छाइयां देखनी चाहिए। हरियाणा ने खेलों में इतने नाम कमाए हैं, विजेंद्र सिंह हुआ, साक्षी मलिक हुई, ठीक है, कितने ही नाम कमाए हैं और कितने ही हमारे सैनिक शहीद होते हैं। हमारे सैनिक युद्ध पे बॉर्डर के ऊपर इतने डटे हुए हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी खेलों में काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हैं। और एजुकेशन का भी हब बना हुआ है हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है पाली में और यहाँ पे एम्स भी खुला हुआ है रोहतक में, और काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस, काफ़ी यूनिवर्सिटियाज और काफ़ी बंदे हैं और काफ़ी बंदे आगे भी बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे एजुकेटेड भी बहुत हैं, यूट्यूब पर भी हमारे हरियाणा वाले छाए हुए हैं, ललित शोकन जी हैं और जैसे काफ़ी हैं, ठीक है, शोरांस फैमिली भी हैं, तो काफ़ी ये यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत मनोरंजन कर रहे हैं, अमित भडाना जी भी आजकल कर रहे हैं काफ़ी। तो धीरे धीरे ऐसा ही है कि हमारा हरियाणा ऑलराउंडर है हर चीज़ में, हर तरह से। तो आप सभी को फिर से एक बार हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको आज हरियाणा दिवस के ऊपर ये सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड है मेरी ओर से कि आप यदि हरियाणा के हैं तो ये सॉन्ग आज जरूर बजाते रहे। दुनिया में नाम तुम्हारे मारे पहलवान है, सेना में अगस्ता से मारा जवान है, सब दुनिया में दिल तुझे सारी दुनिया में अपनी अलग पहचान, और दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे खेल हो या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा नंबर 1 पर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा।